मैं काफी सालों बाद फ्री फायर खेलने जा रहा हूँ। वैसे चलो एंड्रॉइड पे इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, फ्री फायर टाइप कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई, गेम आता है कि नहीं आता है। वैसे मुझे लगता है चला गया होगा। अरे है, एंड्रॉइड नॉट सपोर्टेड, म्यूट करीना आईफोन। और कोलैबोरेशन देखो भाई क्या है ये, मतलब भाई एंड्रॉइड मेरा 20 GB वाला रैम का स्मार्टफोन है और उसमें भी नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है। गरीना आईफोन बहुत महंगा है यार इस टाइम में, और मैं तो यार इस टाइम पीरियड के अंदर ना बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। ऐसे नल्लापंती को दूर करने के लिए मैंने सोचा लाओ फ्री फायर खेलता हूँ। चलो यार जुगाड़ करते हैं, EMI पे लेते हैं गरीना का फोन। तो फाइनली यार बाप का पैसा चुरा कर मैंने गरीना फोन बाय कर लिया। अब देखते हैं यार फ्री फायर गेम आता है या चला गया। वैसे आना चाहिए, इतना महंगा गेम है और फोन भी उसी स्पेशल फोन में चल रहा है। ये क्या भाई $15 के अंदर ट्रायल वर्जन, और यार $50,000 का मतलब कि फुल गेम तुमको मिलेगा भाई। ये तो GTA फेल कर चुका है भाई, क्या ही बोलूं। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा यार। और डॉलर में तुमको देखने को मिल रहा है, इंडिया में रुपए खत्म हो चुके, डॉलर चलने लगा भाई अब तो। चलो यार जब इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ट्रायल वर्जन लेके चेक कर लेते हैं। चलो गेम ओपन तो हुआ एटलीस्ट। ये क्या भाई, अपलोड योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एंड बैंक अकाउंट। ये क्या भाई, ये तो अलग ही लेवल चीज है भाई। मुझे शक हो रहा है, मैं कुछ अपलोड नहीं करूंगा बैंक अकाउंट में, अब गेम खेलूंगा ही नहीं। वल्ला तुम अपलोड नहीं करती तो $5,000 तुम्हारे अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाती। तुमको अपलोड करना होती, अगर प्रोसीजर फॉलो करती तभी गेम चलती। ये क्या भाई, ट्रायल वर्जन दिखा के चूना लगा रहे हैं भाई ये गरीना वाले, सच में यार अलग ही लेवल है इनका। लगता है यार मुझे करना पड़ेगा अपलोड ये बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी सारी चीजें, वरना ये मेरा गरीना फोन कहीं ब्लॉक ना कर दे यार, जो $20,000 का है। चलो फाइनली यार सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, कम से कम गेम तो चला यार। अब शायद कोई डॉलर वगैरह ना देना पड़े, गेम इंजॉय कर सकेंगे हम बहुत अच्छे से। बहुत खर्चा हो गया यार। अब ये क्या भाई, ये क्या है भाई, ये तो अलग ही लेवल हो गया भाई। नूब टू प्रो, $150, $500 और $50, ये क्या बात है भाई। चलो मैंने ऑलरेडी नूब ले रखा है, $50 ही देना पड़ेगा। गेम अब इतना शुरू हो गया है, अब तो आगे मुझे एक भी रुपया ना देना पड़े शायद यार, सच में। अब थोड़ा बहुत तो यार गरीना रहम करो यार, भीख मांग कर तो पैसे इकट्ठा किए थे। वल्ला हमको पता होती तुम नूब ही चूज करती, तुम्हारा औकात ही नूब का होती, तुम भिखारी हो। और यार ये फ्री फायर वालों ने ना नया असिस्टेंट डाल दिया भाई, ये तो बोल के बेइज्जती कर डालता है, मतलब तुम्हें गेम खेलने पर डिमोटिवेट कर देगा पूरा यार, सच में बहुत बेकार असिस्टेंट है ये। इतने सालों बाद यार सच में पुरानी आदत ताजा हुई। और ये क्या भाई, पाउंटी $5 की, ये अलग ही लेवल हो गया भाई। अब भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ठीक है। $5 कौन लेता है यार गेम में भाई, $5 तो ऑटोमेटिक अकाउंट से कट गया यार। अब अचानक से नजर पड़ी भाई इजेक्ट पे $500, भाई मैं नहीं दूंगा। बिल्ले तुमको $500 देने की कोई जरूरत नहीं होती, हम तुम्हारे खाते से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती। आई थिंक यार अब काफी ज्यादा हो चुका है, अब $500 और कट गए ऑटोमेटिक अकाउंट से। चलो टाइप के तो एटलीस्ट पैसा नहीं लिया गरीना ने, नहीं तो उसका भी मुझे लग रहा था $1,000 चार्ज करेगी। वैसे अब मुझे जहां उतरना वहां मैं उतर सकता हूँ कि तुम डिसाइड करोगे। पूरा गेम भाई पेड हो चुका है, एटलीस्ट ग्लाइडिंग का पैसा नहीं कटा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है यार। चलो अच्छी बात हुई। और सामने एक मैक 7 पड़ी है, ये क्या भाई $5 इसकी कीमत, भाई अलग ही लेवल। अब तो मैं रोज आऊंगा यार सच में। चलो यार गन उठा ली $5 देके, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, इतना हो गया तो इतना और सही। चलो ठीक है यार आगे बढ़ते हैं, देखते कोई बंदा ना मिल जाए तो मारने में मजा आ जाए। वल्ला तुम्हारा मूवमेंट बहुत फास्ट होती, अपने मूवमेंट पे कंट्रोल करती वरना $500 जुर्माना भुगतती, और सामने वाले बक्सा पे तो बिल्कुल नहीं जाती, $500 का हो। ये मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। बातें सुनकर ना यार मेरे कानों से ना भाई खून निकल रहा है, सच में तुमको मैं बताऊंगा हकीकत भाई। मैं आए क्यों गेम खेलने भाई, मुझे मारो। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इनके सब कुछ बदल गए। मैं यार अब थोड़ा बहुत एक एनिमी दिख जाए मजा आ जाए। एक बॉट आ रहा है यार, अच्छा इसको मारते हैं यार, देखते हैं, बहुत मजा आएगा यार। इतनी देर बाद एक बॉट को मारूंगा, सच में मजा आ जाएगा। ओ भाई साहब, वल्ला तुमने एक बॉट को बेरहमी से मारा होती, उसके परिवार को बहुत जरूरत होती भूया की, अब तुम्हारे अकाउंट से $50,000 डिटेक्ट होती और उसके परिवार को दिया जाती भाई। कुछ भी कुछ भी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार, बॉट मारने के $50,000 डिटेक्ट कर लिए भाई अकाउंट से, अलग ही लेवल भाई। किसको किसको जरूरत थी भाई उसके परिवार को, बॉट का कौन सा परिवार होता है यार, तुम लोग ऐसी पर्ची पैसे खा रहे हो। एक काम करता हूँ आज जिपलाइन यूज करता हूँ, बहुत सालों से जिपलाइन यूज ही नहीं की, खेले नहीं गेम तो यूज क्या करेंगे। चलो जिपलाइन यूज करके देखते हैं, इसका कोई चार्ज ना लगे बस यार, इतना मनाओ भगवान से इसका कोई चार्ज ना लगे। चलो जिपलाइन पे चढ़ता हूँ फिर देखते हैं क्या। और $20 भाई जिपलाइन पे जाने के, वो समझ रहे हो, समझ रहा
समझ रहे हो ना तो भाई, ये अब भाई कुछ अंधापंती हो रही है भाई, गरी ना ज्यादा लूट रहा है भाई, बाप का पैसा समझ रहा है ये क्या था भाई, आगे रास्ते पे इजेक्ट कर दिया। अच्छा अच्छा सामने एनिमी है, मतलब प्रो बंदा है, मतलब मारूंगा तो इसको मुझे पैसे मिलेंगे सच में। ओ भाई सामने एनिमी इसको खत्म करते हैं, पैसे मिलेंगे भाई सच में, मजा आ जाएगा। ये क्या मार दिया भाई, ओपी बोलते बोले तुमने गर्ल गेमर को मारा होती इसलिए तुम्हारे अकाउंट से $1,000 डिडक्ट होती और वो हैरेसमेंट के केस में तुमको जेल भी हो सकता। इतनी देर से देख रहा हूँ कुछ भी लगाया जा रहा है, $500 की जिप लाइन पे जाने का, गाड़ी का चार्ज डिटेक्ट कर लेगा अगर बॉट मारूंगा, नूब मारूंगा तब भी पैसा डिटेक्ट, गर्ल गेमर को मारूंगा फिर भी डिटेक्ट। भाई तू करना क्या चाहता है करीना, मुझे इतना बता दे, तू गेम लाया ही क्यों गेम के अंदर भाई, क्यों क्यों तूने अपना फोन निकाला भाई, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं ये गेम खेलूंगा नहीं सच में। बोले हबीबी साले तुझको बोला गेम कौन इंस्टॉल करने को और मुझे क्यों गाली दे रहा है बे, गरीना को जाके बोल ले नूबड़ी। भाई अब सच में ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है ऐसे ये सुअर के बच्चे ने नूब बोल दिया भाई, पत्थर के पीछे छुपने का भी चार्ज है भाई, देख रहे हो तुम पेड़ों के पीछे छुपने के भी चार्जेस लगा रहा है ये। भाई अब मैं ना अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा भाई, मेरे पैसे नहीं रहे, मैं सड़क पे आ चुका हूँ, पूरी तरीके से भिखारी बन चुका हूँ, मेरे पास एक